Assalamu alaikum students, how are you all? This is the third lecture for today. Today is 11th January 2021 and the day is Monday. Open your science books, page number 79. We are going to start unit number 9, light and shadow, roshni aur saya. We are here to start the reading. We need light to see things. We cannot see in the dark. The sun gives us light and changes the dark night into a bright day. अच्छा जी, वो कह रहे हैं चीजें देखने के लिए, कुछ देखने के लिए हमें रोशनी की जरूरत पड़ती है. We cannot see in dark. हम अंधेरे में चीजें नहीं देख सकते, हम अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकते. ये चीज आप लोग सबको पता है. The sun gives us light and changes a dark night into a bright day. जो सूरज है वो सुबह जब निकलता है, तुलू होता है, वो एक रात को पीछे छोड़ के नया दिन हमें देता है. रात का अंधेरा हटा के हमें एक दिन की रोशनी देता है, ब्राइट सुबह देता है. लाइट ऑल्सो कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फायर्स एंड टॉर्च. लाइट ऑल्सो कम, वो कहने लाइट जो है और भी चीज़ों से आती है सूरज के अलावा. लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो होते हैं हमारी क्लासेस में, घरों में लगे होते हैं, आप सबको पता है, जो हम लाइट ऑन करते हैं और बल्ब से हमें रोशनी मिलती है जिसमें आप बैठ के अपनी वर्किंग करते हैं. फायर, आग, जैसे हम कैंडल चलाते हैं, या जब कभी अगर आप लोग माचिस की तीली या लाइटर चलाते हैं, डोमेस्टिक से चलाते हैं, तो एक तब भी एक लाइट फायर से, आग से मिलती है. और टॉर्च, टॉर्च जो आप लोग के मोबाइल्स में मोस्टली देखी जाती है, इस तरह की टॉर्च तो अब कम यूज़ होती है, मोबाइल्स में आप लोगों की टॉर्च होती है, उससे भी लाइट आती है. अच्छा जी, वो देख लेते हैं. डिस्कस एंड आंसर. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट गिव्स अस लाइट, व्हिच ऑब्जेक्ट गिव्स द मोस्ट लाइट. इसको हम जूम सेशन में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. ये लाइट के बारे में हमसे पूछ रहे हैं कि व्हिच ऑब्जेक्ट कैन गिव द मोस्ट लाइट, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा लाइट देता है, उसे हम जूम सेशन में डिस्कस करेंगे. सम लाइट्स आर वेरी ब्राइट, अदर्स आर डिम. अच्छा जी, अब लाइट्स की भी फॉर्म्स होती हैं. कुछ लाइट्स जो होती हैं बहुत हार्श होती हैं, बहुत डार्क होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं, ब्राइट होती हैं, और कुछ बहुत डिम सी होती हैं. जैसे कि अब अक्सर आप लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं, उसकी जो फ्रंट पे जो लाइट्स लगी होती हैं, जो उसकी हेडलाइट्स होती हैं, वो बहुत डार्क होती हैं, क्योंकि हम लोग को जैसे आजकल फॉग है, हम लोग फॉग में भी कार ड्राइव करनी होती है, तो हमें शार्प ब्राइट लाइट की ज़रूरत पड़ती है. तो इसलिए हेडलाइट्स जो होती हैं कार की, वो ब्राइट होती हैं. एज इट इज़ जब रात को सोने लगते हैं, हमारी आंखों को सुकून चाहिए होता है, तो हम लोग के साइड लैम्प्स जो होते हैं वो डिम होते हैं, वो कार की तरह ब्राइट नहीं होते, कार की हेडलाइट्स की तरह ब्राइट नहीं होते, बहुत डिम से होते, जैसे कि वो यहाँ पे बता रहे हैं. ओके, पेज नंबर 80 आप लोग ओपन कीजिए. ऑल लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट कैन पासिस थ्रू वाटर. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लाइट्स होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है बिल्कुल स्ट्रेट जाती है. इंशाल्लाह जूम सेशन में मैं आपको किसी एग्जांपल के साथ भी बताऊंगी. जब आप किसी टॉर्च को लाइट करते हैं तो वो इधर उधर नहीं जाती, बिल्कुल स्ट्रेट उसकी लाइट जाती है. जब आप टॉर्च करते हैं, वरना मोबाइल की टॉर्च से भी देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, वैसे इधर उधर नहीं जाती, बिल्कुल राइट लेफ्ट नहीं जाती, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है. और अगर हम पानी का जग या ग्लास लेते हैं, उसमें से अगर हम लोग लाइट को पास करेंगे तो वो उस तरफ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट होता है, उससे कोई कलर नहीं होता, उसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं होते. जो मिनरल वाटर, जो बिल्कुल साफ वाटर होता है, वो पास करता है लाइट को. लाइट पासिस थ्रू सम मटीरियल्स बट कैन नॉट पास थ्रू अदर्स. लाइट कैन पास थ्रू एयर, लाइट कैन पास थ्रू ग्लास, लाइट कैन नॉट पास थ्रू दीज मटीरियल्स. अच्छा जी, अब हम इसको भी डिस्कस करते हैं. वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें से लाइट पास हो जाती है. उससे पहले उन्होंने पानी को डिस्कस किया. इस तरह कह रहे हैं हवा से भी हो जाता है. हवा की तो कोई कोई चीज़ ही नहीं होती, ना वो कोई शेडो देती है, ना उसके अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को रोक के ब्लॉक करे. और एयर से भी लाइट जो है वो गुजर जाती है. इसी तरह शीशे से, ग्लास से भी लाइट पास हो जाती है. जब से विंडो से बाहर की लाइट अंदर तक आती है तो कमरे में रोशनी हो जाती है. बट वो यहाँ क्या कह रहे हैं, लाइट कैन नॉट पास थ्रू दीज मटीरियल्स, रॉक, ब्रिक्स, वुड. पत्थर से, ईंटों से और लकड़ी से जो है जो लाइट है वो पास नहीं होती. ईंट के ऊपर आप लोग लाइट मारेंगे तो वो उस तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक सॉलिड मटीरियल है, उस तरफ नहीं जाएगी. एज इट इज़ रॉक और वुड से भी अगर आप दरवाजे पर लाइट मारेंगे, बाहर कोई खड़ा होगा, उसको टॉर्च की लाइट नहीं आएगी. द मटीरियल्स दैट डू नॉट लेट थिंग्स पास थ्रू देम ब्लॉक इट. व्हेन द लाइट इज ब्लॉक इट कास्ट अ शेडो. अच्छा जी, एज इट इज अगर हम ब्लॉक होती है, पत्थर होता है, पत्थर पे लाइट मारते हैं, वो ऑब्वियसली लाइट को ब्लॉक करता है,
लेकिन उसकी दूसरी तरफ जो है वो फिर ऑब्वियसली शेड पड़ता है, क्यों, लाइट उसके सराउंडिंग से तो गुजर रही है ना, पत्थर से नहीं गुजरेगी लेकिन यहाँ यहाँ से तो गुजरेगी, और उसका शेड जो है, जैसे यहाँ पे मेरे हाथ, मेरा एक हाथ एक सॉलिड चीज़ है और यहाँ पे नीचे आप लोगों को शेड नज़र आ रहा होगा, मेरे हाथ का नीचे नज़र आ रहा है आप लोगों को शेड, इसी तरह मेरी हाथ एक सॉलिड चीज़ है, ऊपर से जो लाइट आ रही है रूफ से, उसका जो लाइट का जो मटेरियल से वो क्रॉस नहीं कर पा रही, इसका शेड यहाँ पे पड़ रहा है। एज इट इज़ उन्होंने चेयर की एग्जांपल दी कि चेयर पे अगर हम लाइट मारेंगे जहाँ जहाँ वुड है वो एज इट इज़ उसका शेडो बना देगा। ओके दिस इज डन, वी आर डन विद द रीडिंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट एक क्वेश्चन हम आज करेंगे। ओपन योर कॉपीज, टुडे इज 11th January 2021, द डे इज मंडे, राइट हियर क्लास वर्क वेरी नीट एंड क्लीन, यूनिट नंबर 9 लाइट एंड शेडो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Question number 1, how does light travel? Light travels in straight lines. Kare light kaise travel karti hai? Light straight line mein travel karti hai. Inshallah hum isko further discuss karenge zoom session mein. Allah Hafiz.